सीएसवी फाइल्स। हमने लास्ट वीडियो में डेटा फाइल्स को देखा था। डेटा फाइल्स में हमने टीएक्सटी की फाइल्स को यानी टेक्स्ट फाइल को देखा था। आज हम सीएसवीज को देखेंगे। तो मैं एक फाइल बना लूंगा सीएसवी फाइल के नाम से, सी एस वी फाइल्स। सीएसवी फाइल्स के नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली। इसमें हम देखेंगे सीएसवी होता क्या। हमारे पास बेसिकली सीएसवी एक टेबुलर फॉर्म में डेटा यानी कि टेबल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाए तो वो सीएसवी कहलाता है। सीएसवी की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अब चाहे वो एक्सेल की शीट हो या डेटाबेस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका एक्सटेंशन सीएसवी हो तो वो कुछ इस तरह से व्यू होता है हमें। अब हम क्या करते हैं कि एक फाइल राइट करके देखते हैं कि सीएसवी की फाइल अगर राइट की जाएगी तो किस तरह से की जाएगी। राइटिंग आ सीएसवी फाइल। सीएसवी के नाम से एक मॉड्यूल होता है पाइथन के अंदर। मैं सबसे पहले उसको इंपोर्ट करवा लूंगा, इंपोर्ट सीएसवी। इसको हर फाइल में हम एक दफा इंपोर्ट करवाना पड़ेगा जब भी हम फाइल को रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, अपेंड करवाना चाहते हैं, कुछ भी करवाना चाहते हैं, हमें इसको एक दफा लिखना पड़ेगा। विद ओपन करके मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। जैसे मैं कह देता हूं फाइल का नाम ए बी सी डॉट सी एस वी। अब मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं कॉमा W लिखूंगा यानी कि मैं राइट करवाना चाह रहा हूँ, मोड लिखूंगा अपना। फिर उसके बाद मैं एक और कीवर्ड लिखूंगा जिसको कहते हैं हम न्यू लाइन। मैं कहूंगा न्यू लाइन इज इक्वल्स टू एम्प्टी। अब मैं लिखूंगा एज, किसके लिए, किसके बिहाफ पे, यानी अलास क्या ले रहा हूँ मैं, एफ। फॉर एग्जाम्पल मैं एफ ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं रॉज की फॉर्म में डेटा को स्टोर करवाऊंगा इसमें, क्योंकि टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होगा। तो मैं कहूंगा फाइल राइट, एक वेरिएबल मैंने बना लिया, उसके अंदर मैं कहूंगा सी एस वी डॉट टैब। जब मैं कहूंगा तो इसमें बहुत सारे जो है फंक्शन आ देंगे। मैं कहूंगा राइट रॉ, यानी कि एक रॉ क्रिएट कर दो मेरे लिए, और बल्कि नहीं, राइटर का करूंगा फिर उसके बाद रॉ क्रिएट करूंगा। मैं कहूंगा राइटर, उसके अंदर जो मेरा एलास होगा उसको इस्तेमाल करूंगा यानी कि एफ को। अब मैं जब आऊंगा फाइल फाइल राइट डॉट राइट रॉ राइट करने जा रहे हैं, तो रॉ जो होगी वो एक लिस्ट की फॉर्म में होगी। तो मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूँ। मैं अपना पहले ले लेता हूँ मा एम नेम, मैं एक हेडिंग ले रहा हूँ नेम के नाम से, कॉमा कह देता हूँ, मैं एक और वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ लास्ट नेम, और मैं कह देता हूँ एज। ये चीज़ें मैंने अपनी फाइल के अंदर स्टोर करवा ली। तो हम जब देखेंगे कि ये फाइल हमारे पास स्टोर हुई है या नहीं, हम इसको यहाँ आएंगे और यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक फाइल जो है वो बन गई होगी। किस नाम से, हमारे पास ए बी सी के नाम से एक फाइल बन चुकी होगी, ये रही। अब इसमें ये वैल्यूज हमारे पास स्टोर हो चुकी हैं। अगर मैं इसमें अपेंड करवाना चाहूँ तो मैं अपेंड भी करवा सकता हूँ। मैं यहाँ कमेंट लिख देता हूँ, अपेंड आ सी एस वी फाइल, यानी कि और डेटा मैं इसके अंदर डालना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, विद ओपन, दोबारा से उस फाइल को कॉल कर लेते हैं, ए बी सी डॉट सी एस वी डॉट सी एस वी, और फिर उसके बाद मैं मोड दूंगा। क्या मोड है भाई, ए यानी अपेंड का मोड है। तो मैं कहूंगा कॉमा न्यू लाइन इज इक्वल्स टू This as इलास दे दिया मैंने F। सेम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि हमने ऊपर काम किया। मैं कहूंगा फाइल राइट इज इक्वल्स टू सी एस वी डॉट राइटर
और मैं अपना लास्ट जो मैंने यूज़ किया था वो एफ यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं कहूँगा फाइल राइट डॉट राइट रॉ, और मैं इसके अंदर जो भी अपना डेटा डालना चाहता हूँ मैं डाल सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं नेम कह देता हूँ अली, कॉमा लास्ट नेम उसका है मोहम्मद, तो लास्ट नेम स्टोर कर लिया हमने। उसके बाद कॉमा एज डालेंगे, तो मैंने एज दे दी 45, तो ये इसने इसको स्टोर कर लिया हमारे पास। और अगर अब हम जब दोबारा इस फाइल को देखेंगे, इस फाइल को मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ, तो इस फाइल के अंदर हमारे पास वो डेटा स्टोर हो चुका होगा जो कि हमने दिया है इसमें। अब इसी तरह से हम अगर रीड करवाना चाहते हैं यहीं से, तो हम रीड भी करवा सकते हैं। रीड रीडिंग सी एस वी फाइल। अब इसको मैं रीड करवाने लगा हूँ, तो विद ओपन मैं कहूंगा किसको ओपन कर दो भाई, एबीसी डॉट सी एस वी। अब मैं मोड दूंगा अपना, मैं कौन सा मोड यूज करने लगा हूँ, रीड का, यानी कि अपना डेटा रिट्रीव करवाना चाहता हूँ। मैं लास्ट दूंगा एस एफ कॉलन, इसकी बॉडी के अंदर आ जाएंगे। मैं कौन करके एक वेरिएबल बनाया था, यानी कंटेंट के नाम से, कि जो मेरा कंटेंट है वो, ताकि एक लिस्ट है तो ये एक एक करके शो होगा, तो मैं इसको लूप के अंदर डाल दूंगा। मैं क्या कहूँगा, सी एस वी डॉट रीडर, ये हमारे पास रीडर आ गया। क्लास हमारा क्या है, एफ है, तो हमने उसको डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मैं कहूँगा फॉर का लूप चला दूंगा, फॉर कौन, यानी कौन के अंदर, इन कंटेंट, कौन के अंदर जो कंटेंट है वो मेरे पास जो है वो सॉरी कंटेंट के अंदर, यानी कौन के अंदर जो कंटेंट है उसको दिखा दो। तो मैं कहूँगा कंटेंट इन कौन, यानी, और मैं प्रिंट करवा दूंगा कंटेंट को। तो जो भी मेरे पास डेटा आता जाएगा फॉर लूप के थ्रू, वो मेरे कंटेंट के वेरिएबल के अंदर आता जाएगा। जब मैंने इसको लिख दिया कंटेंट, तो ये देखें इसने हमारा डेटा शो करवा दिया हमारे पास। ये था इसके अंदर रीड राइट और अपेंड करवाने का तरीका सीएसवी के अंदर। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल को, कि हमारे पास अगर हम अपनी मर्जी से चाहें तो सीएसवी फाइल के अंदर जितना भी डेटा डालना चाहें वो कैसे डाल सकते हैं। मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहीं से, विद ओपन, उसको मैं नाम दे देता हूँ डेटा का, डेटा डॉट सी एस वी। और अगर मैं उसमें क्या कराना चाह रहा हूँ, उसको राइट करवाना चाह रहा हूँ और उसको क्रिएट भी कराना चाह रहा हूँ, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे डब्ल्यू कॉमा राइट लाइन कॉमा न्यू लाइन इक्वल टू, कॉलन लगा दूंगा। उसके बाद मैं एज करूंगा, एज डेटा ही कह देते हैं, या डेटा ही कह देते हैं उसको डेटा। अब इसके अंदर आ गए हम, तो यहाँ मैं एक जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं डेटा एंट्री करने जा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, मैं अपने हेड बना लेता हूँ, एक तरह से हेडिंग्स बना लेता हूँ। मेरे पास नेम है, नंबर है और सीएनआईसी है एक बंदे का। मैं उसका तीन चीज़ें जो है वो उससे पूछना चाहता हूँ, तो मैं एक एग्जांपल बनाने लगा हूँ। उसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फाइल राइट करवा देता हूँ, इज इक्वल्स टू सी एस वी डॉट राइटर। मैं कहता हूँ राइटर, और यहाँ पर मैं लास्ट जो मैंने डेटा यूज़ किया है डेटा लिखूँगा, और यहाँ पर आकर फाइल रीडर राइट डॉट राइट रॉ करूँगा। तो राइट रॉ में मैंने पहला एट्रीब्यूट क्या रखना है, ये एक लिस्ट की फॉर्म में सेव कराता है जैसे कि मैंने पहले बताया था। यहाँ मैंने रखना है सबसे पहले नेम,
मैं कह दूंगा नेम कॉमा, उसके बाद दूसरी वैल्यू मैंने स्टोर क्या करवानी है, नंबर, तो मैं कहूंगा नंबर। तीसरी चीज मैंने उससे पूछनी है एनआईसी, तो मैं यहां करूंगा एनआईसी नंबर। ये तीन चीजें जो है वो मैंने अपनी फाइल के अंदर क्रिएट करवा ली। अब अगर जो है वो हम इसको देखते हैं, तो हमारे पास हमारी डायरेक्टरी में डेटा के नाम से जो है वो सीएसवी बन चुकी है। अगर हम उसको देखें तो नेम नंबर और एनआईसी नंबर हमारे पास आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम अपना डेटा अपेंड करवाएं, यानी कि और लूप लगाकर, यानी कि अपनी मर्जी से जितना डेटा एंटर करना चाहते हैं एंटर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा। अब अगर ये लिस्ट की फॉर्म में लेता है तो यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि लिस्ट की फॉर्म में लेता है तो हम करेंगे क्या, हम इसके साथ एक ट्रिक करेंगे। मैं इंटर के नाम से जो है वो एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसको कहता हूँ इंट, यानी कि मैं इसमें रेंज डिसाइड करूंगा अपने लूप की, इनपुट यूजर से ही लूंगा, इंटर द लिमिट नंबर ऑफ डेटा। मैं एक सवाल कर देता हूँ यूजर से और यहां पे आ जाता हूं मैं, फॉर आई इन रेंज। अब रेंज में मैं कर दूंगा इंटर, यानी कि जो यूजर हमें दे वो इंटर करवा दो। अब मैं इसके अंदर आ गया, सबसे पहले मेरे पास क्या था, नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, क्या इनपुट करवा रहे हैं हम, सबसे पहले मैं कहूंगा इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। उसके बाद दूसरा सवाल था हमारे पास नंबर, तो मैं नम के नाम से एक जो है वो वेरिएबल बनाता हूँ, वो भी कहता हूँ इनपुट। हर बार ये यूजर से सवाल करेगा और हर बार हम डेटा डालते जाएंगे, इंटर इंटर योर नंबर। अब नंबर इंटर कर दो, उसके बाद मैं एक और चीज लिखवाता हूँ, एन आई सी इज इक्वल्स टू इनपुट, क्या इनपुट कर दो, इंटर योर एन आई सी नंबर भी इंटर करवा दो। अब मैं क्या करूंगा, विद ओपन करके, विद ओपन जो मेरे पास फाइल थी डेटा सीएसवी के नाम से, डेटा डॉट सीएसवी, इसके अंदर मैं क्या कहूंगा कॉमा, वहां पर मैं क्या करवाने लगा हूँ अपेंड, तो भाई ए लिखूंगा मैं अपना और इसके साथ मैं करूंगा कॉमा न्यू लाइन, क्योंकि हर बार रॉ चेंज होगी तो हम कहेंगे न्यू लाइन इज इक्वल्स टू जो भी हमारा डेटा इसमें डालना है हमने यहां लिख दें। अब हम आ जाते हैं कि न्यू लाइन एज डेटा ही मैं कह देता हूं, इसके अंदर स्टोर करवा दो। अब इसकी बॉडी के अंदर आ गए तो मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले राइट फाइल इज इक्वल्स टू CSV डॉट, क्या स्टोर कर रहा हूं, राइटर, और मैं किस में करवा रहा हूं, डेटा, डेटा का एलास यूज कर रहा हूं, डेटा फाइल के अंदर करवाना चाह रहा हूं। अब मैं आ जाऊंगा इसके बाद किसके अंदर, अब मैं एक लिस्ट बना लूंगा डम के नाम से। ये देखिए मैं लिस्ट क्यों बना रहा हूं, क्योंकि एक एक करके मैं अपने लिस्ट के अंदर चीज को अपेंड करवाऊंगा जो जो मैं यूजर से लेता जाऊंगा। देखें मैं यहां कहता हूं डम डॉट, अब मैं टैब करूंगा तो ये लिस्ट के सारे फीचर्स मुझे दे देगा। मैं सबसे पहले कहूंगा नेम अपेंड करा दो सबसे पहले, उसके बाद कहूंगा डम डॉट अपेंड करा दो मेरे पास, क्या अपेंड करा दो मेरे पास जो है वो नम अपेंड करा दो। उसके बाद मैं क्या कहूंगा डम डॉट क्या अपेंड करवा दो हमारे पास, तीसरी चीज एनआईसी
जो कि मेरा वेरिएबल था वो भी अपेंड करवा दो। ये तीनों अपेंड करवाने के बाद मैं कहूंगा फाइल डॉट राइट फाइल डॉट राइट फाइल डॉट राइट रॉ। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर अपना डम डाल दूंगा। अब देखें ये वैल्यूज किस तरह से, मैं कहूंगा कि इंटर करो, मैं टू वैल्यूज इंटर करना चाहता हूं। मैं नाम दे देता हूं अली, नंबर डाल देता हूं कुछ भी एक्स वाई जेड, और फिर उसके बाद सी एन आई सी नंबर डाल देता हूं। फिर ये मुझसे एक और नाम पूछेगा, मैं कहूंगा मास, नंबर डाल देता हूं मैं, कुछ भी नंबर मैंने डाल दिया, एक सी एन आई सी नंबर भी डाल दिया। अब ये मेरे पास स्टोर करवा लेगा वैल्यूज को। अगर अब हम देखना चाहें कि मेरी वैल्यूज कहाँ स्टोर हुई है, तो हमने रीड का तरीका तो देखा ही था, विद ओपन के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी फाइल का नाम लिखूंगा डेटा डॉट सी एस वी, डॉट सी एस वी के अंदर से रीड कराना है मुझे, तो मैं कॉमा करके आर करवा दूंगा, और फिर मैं कहूंगा एज डेटा डेटा, इसके अंदर आ जाऊंगा मैं कॉन करके एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, उसके अंदर मैं करूंगा सी एस वी डॉट रीडर, सी एस वी डॉट रीडर, क्योंकि मैं रीड करवा रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा इसके अंदर डेटा को, यानी डेटा का जो एरास यूज किया है इसके अंदर स्टोर करवा दो। अब मैं कहूंगा एक एक वैल्यू करके रिट्रीव करानी है, तो फॉर के लूप के जरिए से मैं रिट्रीव कराऊंगा कॉन्टेंट इन कॉन, यानी कॉन के अंदर आकर जो स्टोर हो रहा है वो सारा कंटेंट जो है वो प्रिंट करवा दो, किसके बिहाफ पे, कंटेंट के बिहाफ पे। तो यहां पर मेरा सारा डेटा शो हो जाएगा जो कि मैंने, ये था हमारा सीएसवी फाइल को देखने का तरीका कि हमने सीएसवी फाइल के अंदर डेटा किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, किस तरह से अपेंड करवा सकते हैं, किस तरह से रीड करवा सकते हैं, किस तरह से राइट करवा सकते हैं। और हमने एक एग्जाम्पल भी ले ली कि हमने यहाँ पर जो है वो डेटा इंटर करके देखा बाय द हेल्प ऑफ लूप के डिफरेंट डेटा को किस तरह से हम एक साथ डाल सकते हैं। ये रॉ की फॉर्म में ले रहा था, मतलब लिस्ट की फॉर्म में ले रहा था हमारे पास, तो हम लिस्ट की फॉर्म में जो है वो अगर देंगे इसको तो ये एक आर्गुमेंट कंसीडर करेगा राइट रॉ, अगर मैं इसके साथ दूसरे आर्गुमेंट्स लगाऊंगा तो ये इन आर्गुमेंट्स को नहीं लेगा और एरर क्रिएट कर देगा। इसी वजह से हमने इसके अंदर जो है वो एक एक करके अपेंड कराया अपने सारी वैल्यूज को, नेम को, नम को और सी एन आई सी को, इसके अंदर डम के नाम की लिस्ट के अंदर हमने इसको अपेंड करवा दिया, यानी कि एक एक करके ये वैल्यूज लास्ट में उसके ऐड होती गई और सो ऑन। जब एक दफा लूप पूरा चल गया तो दोबारा जब लूप चलेगा तो दोबारा वैल्यूज स्टोर होना शुरू हो गई। ये एक हमने एग्जाम्पल देखी डेटा एंट्री की। ये था हमारा सी एस वी फाइल का, कि हमने सी एस वी फाइल को देखा इस लेक्चर के अंदर। Thank you so much for watching this video.